नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। बीमा क्लेम व सिंचाई के लिए पानी की व स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की मांग को लेकर के किसानों में रोष है। अपनी मांगों को लेकर के किसानों ने दी है गिरफ्तारियां। किसानों ने लघु सचिवालय का घेराव किया है। प्रदर्शनकारी किसानों ने DC की गाड़ी को गेट पर ही रोक कर की नारेबाजी। किसानों व उपायुक्त के बीच में हुई तीखी बहस। DC ने ज्ञापन लेकर के किसानों के गुस्से को किया शांत। DC प्रभजोत सिंह ने किसानों को आश्वासन भी दिया। नहरी पानी की चोरी को रोकने के लिए उठाए जाएंगे सख्त से सख्त कदम। बीमा क्लेम की राशि जारी करने के लिए उपायुक्त प्रभजोत सिंह ने कहा, बैंक व बीमा कंपनियों के बीच में बातचीत से हल निकाला जाएगा। आप देख रहे हैं सिरसा पल पल से अमर सिंह जानी की ये रिपोर्ट। अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय आह्वान पर जेल भरो आंदोलन के तहत आज किसानों ने अपनी मांगों को लेकर के उपायुक्त कार्यालय के समक्ष रोष प्रदर्शन किया। किसानों ने भारी संख्या में मांगों को लेकर के गिरफ्तारियां भी दी। किसान सभा का द्वारा आयोजित इस जेल भरो आंदोलन का C2 सर्व कर्मचारी संघ अन्य कर्मचारी संघ ने भी किया समर्थन। किसानों ने रोष प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय का घेराव किया। इस दौरान उपायुक्त प्रभजोत सिंह की गाड़ी लघु सचिवालय के गेट के समक्ष आने पर किसानों ने रोष जताया और उनकी गाड़ी का घेराव कर लिया। इस दौरान किसानों व उपायुक्त के बीच में तीखी बहस भी हुई। इसके बाद उपायुक्त ने किसानों का ज्ञापन लेकर के गुस्से को शांत किया। उपायुक्त ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विचार कर सरकार को भेजा जाएगा। वहीं किसान नेता सुरजीत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों को आर्थिक शोषण किया जा रहा है। उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने के लिए किसानों को फसल का लाभकारी मूल्य देने की मांग की। उन्होंने कहा कि आज किसानों को अपनी मांगों के समर्थन में अपनी गिरफ्तारियां दी है। उपायुक्त प्रज्योत सिंह भी मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि किसानों को पानी की समस्या है, उसको जिला स्तर पर अधिकारियों की बैठक के बाद उसी समस्या का निवारण किया जाएगा और साथ ही बीमा कंपनी अधिकारी तथा इनकी समस्या का भी समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 4 करोड़ रुपये रिलीज किया जा चुका है और आगामी बैठक के बाद बची हुई राशि भी बीमा कंपनियों द्वारा बैंकों में रिलीज करने के लिए कहा गया है। साथ ही उपायुक्त ने कहा कि इस बात की नाराजगी जताई कि किसानों द्वारा गेट बंद करने या गेट के ऊपर धरना देना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जब स्वयं वे उनकी समस्याएं सुनने के लिए तैयार हैं तो इस तरह का गेट बंद करने वाला काम बिल्कुल ठीक नहीं है। आप देख रहे हैं पल पल की ये खास रिपोर्ट। तो एक इनकी इरीगेशन डिपार्टमेंट से संबंधित समस्या है कि जो टेल पे पानी नहीं पहुंच रहा, तो उसमें इनका कहना यह है कि जो पानी आगे जो पड़ने वाले गांव हैं उन्होंने अवैध इसमें मोगे बिठाए हुए हैं, अवैध पाइपें लगाई हुई हैं। तो पहले भी हमारे पास जो किसान संगठन आते रहे हैं या फिर जो लोग आते रहे हैं गाँव के जो टेल पे पड़ते हैं गाँव उनके जो लोग आते रहे हैं, तो हमने ये पहले भी किया है। XCN हमारे जाते रहे हैं और साथ में जो कंसर्न 2 बंदे उनके लेते हैं, पुलिस की टीम लेते हैं, अवैध मोगों को अवैध पाइपों को काटते हैं, पुलिस के केस भी दर्ज करवाते हैं। ऐसे कार्रवाई पहले हुई है ज़िले में और अभी हमने इनको यही कहा है। इनके कुछ मामले जो हैं पंजाब का पानी कम छोड़ने के कारण भी हैं, तो हमने इनको कहा है एक मीटिंग इनकी XCN इरीगेशन। कुछ इनके मामले बिजली वालों से संबंधित है तो SC बिजली बोर्ड आ जाएंगे उसमें। और एक इनका मामला डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर से जो बीमा कंपनी से संबंधित है, तो बीमे के लोग, तो इनकी हमने एक अगले हफ्ते इनको कहा है कि हम आपकी 1-to-1 मीटिंग करवा देंगे। जो भी आपके इश्यूज हैं आप SC साहब को या DDA को बताएं और उनका मौके पर समाधान करवा देंगे। तो ये आज डिसाइड हुआ है। इनको ये कहा गया है कि जो आपका धरना प्रदर्शन करने का तरीका है वो ऑब्जेक्शनेबल है, उस पर मेरे को सख्त ऑब्जेक्शन है। आप आके गेट बंद कर लेते हैं जिससे ना कोई अंदर जा सकता है ना कोई बाहर आ सकता है, जिसके आमजन को बहुत असुविधा होती है। अगर ये यहाँ तक आते हैं तो इनको मेरे कार्यालय तक आने में कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम वहाँ पे बैठे हैं, अगर हम वहाँ पे बैठ के मीटिंग ले रहे हैं, जनता की समस्याएं वहाँ सुन रहे हैं, तो उसमें ये भी आके अपनी समस्याएं बता सकते हैं। ये इनसे आज अनुरोध किया गया। ये हमारी 1 हफ्ता पहले मीटिंग हो गई थी, उसमें ये बताया गया था डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर द्वारा और जो कंपनी के बंदे भी आए हुए थे कि 4 करोड़ की इंटरिम राशि उन्होंने बैंक में रिलीज कर दी है। ये मेरे पास लास्ट वीक की सूचना है, अभी हम इसको अपडेट कर लेंगे अगले हफ्ते में। उन्होंने कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर जो बाकी के 4 करोड़ है, टोटल 8 करोड़ की राशि इसमें बननी थी, बाकी के 4 करोड़ भी इसमें आने वाले थे, तो हम इसमें अगले हफ्ते में आपको अपडेट कर देंगे। जब ये किसान साथी आएंगे तो इनको भी बता दिया जाएगा, आपको भी उस टाइम बता देंगे। 4 करोड़ की राशि मेरे पास जो लास्ट वीक की सूचना है वो आ चुकी है। आज किसानों की मांगों को लेकर पूरे देश भर में हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर धरना प्रदर्शन और जेल गिरफ्तारी देने का आह्वान था किसान सभा की ओर से। उसके संबंध में हम आज गिरफ्तारी दे रहे हैं। किसानों की फसलों के लाभकारी भाव देने के लिए
और स्वामीनाथन योग की सिफारिशों को लागू करने के लिए, नहरी पानी के लिए और बीमे फसल के बीमा जो उसका मुआवजा लेने के लिए, इन मांगों को लेकर आज जेल में जा रहे हैं किसान मजदूर कर्मचारी एकता। जिंदाबाद।